ऐसा सांप शायद ही इससे पहले आपने देखा हो। ये सांप है ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, जिसे हिंदी में तक्षक नाग कहा जाता है। तक्षक सुनते ही आपके जहन में पुराणों में वर्णित सांप की तस्वीर सामने आ गई होगी। दरअसल इस सांप को बिहार से रेस्क्यू किया गया है, तभी से इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हवा में उड़ने वाला सांप है और ये वासुकी नाग है जो महादेव के गले में सुशोभित रहता है। लेकिन क्या ये बातें सच है, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस सांप को इंडो नेपाल सीमा के तहत आने वाले वाल्मीकि नगर के टंकी बाजार से रेस्क्यू किया गया है। दरअसल इस सांप को देख स्थानीय लोग काफी डर गए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने इसे रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ दिया। जैसे ही सांप को जंगल में छोड़ा गया, ये पेड़ की एक डाली पर जा बैठा। तभी से इसको लेकर भ्रांति उड़ने लगी कि ये हवा में उड़ता है और उड़कर हमला करता है, जबकि सर्प विशेषज्ञों के मुताबिक न तो ये सांप उड़ता है और न ही इसका शिव के गले में दिखाए जाने वाले वासुकी नाग से कोई संबंध है। कमाल की बात तो ये कि ये सांप बेहद जहरीला भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सांप का जहर इतना माइल्ड होता है कि बड़े तो दूर बच्चे भी इसके डसने से ज्यादा प्रभावित नहीं हो सकते। ऐसे में तक्षक नाग नामक इस सांप के बारे में गलत जानकारी साझा कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जहां तक कि ये सांप दुर्लभ प्रजाति के भी नहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, असम तथा सिक्किम सहित कई अन्य राज्यों में ये आसानी से पाए जाते हैं। गौर करने वाली बात ये कि ये सांप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ अंग्रेजी की एस आकृति में छलांग लगाते हैं। ये सांप मुख्य रूप से ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। आहार के तौर पर ये छिपकली और पक्षियों का शिकार करते हैं। जरूरत पड़ने पर जब इन्हें नीचे आने का मन करता है, तब वे ऊंचे पेड़ों से ही छलांग लगा देते हैं। इस दौरान उनका शरीर पूरी तरह से चपटा हो जाता है और वे हवा में तैरते हुए नीचे गिर जाते हैं। हालांकि देखने पर ऐसा लगता है कि ये उड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो अपने शरीर को एकत्रित कर पेड़ों से नीचे की ओर छलांग लगाते हैं। इसमें उड़ने जैसी कोई बात नहीं होती। तो आपके पास भी अगर इस सांप की वीडियो आई हो और ये जानकारी आपको हो, तो उसे आगे बढ़ाने से पहले ये सच्चाई जान लें और लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।